हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और IATF की आज की हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4.4 प्रोसेस की। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी, उसमें सबसे मेन है कि प्रोसेस क्या होती है। आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर होगी, प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, किस कंडीशन में प्रोसेस की जाती है और प्रोसेस का पर्पस क्या होता है। इसके अलावा आपको ये पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ पाएंगे, और साथ ही साथ जो सबसे मेन चीज है, हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे क्लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लॉज को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ बातें पॉइंट वाइज कही गई हैं। हम विथ एग्जांपल इन पूरे क्लॉज को पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे, ये चीज भी आपको समझ आ जाएगी। सबसे मेन चीज जो है, हमने इस क्लॉज को इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल, इन दो एग्जाम्पल के जरिए इस क्लॉज को हम आपको समझाएं, आपको क्लियर करें, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा होगा। नॉन टेक्निकली भी आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा और एक टेक्निकल एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इस क्लॉज को क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे और आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या है? वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। आप जो कुछ करते हैं वो एक प्रोसेस है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाना, ये रिकॉर्डिंग करना, ये एक प्रोसेस है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे तो वॉचिंग वीडियो एक प्रोसेस है। आप चल रहे हैं तो वॉकिंग इज़ अ प्रोसेस, आप दौड़ रहे हैं तो रनिंग इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ इनपुट्स हो, ठीक है, और जब वो इनपुट्स होते हैं तब आप कुछ एक्टिविटी करते हैं उन इनपुट्स के थ्रू, उन इनपुट्स के जरिए, और आपको एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये प्रोसेस कहलाता है। इस बेस पर अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी प्रोसेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस, व्हाट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ प्रोसेस। आज हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम 4.1 और 4.4.2, ये जो दो क्लॉज हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको ऑड लगे वो एग्जाम्पल, हम कुकिंग का एक एग्जाम्पल लेंगे, कि क्योंकि वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, तो कुकिंग भी एक प्रोसेस है। आज हम इस एग्जाम्पल को लेंगे कि आलू की जो सब्जी बनाई जाती है उसको समझते हुए पॉइंट वाइज जो भी ये 4.1 में कहा गया है, 4.4.1 और 4.4.2 में कहा गया है, उस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। प्रोसेस है हमारी आलू की सब्जी बनाना, पकाना। देखिए, पहला पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको इसके लिए इनपुट चाहिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड इनपुट है उनको आप पता करिए, और जो आपको आउटपुट निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी। तो देखिए, ये इनपुट है, इनपुट आलू की सब्जी बनाने के लिए आपको इनपुट क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक गैस चूल्हा चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप प्रोसेस कर रहे हैं, जिसे हम एक्टिविटी कह रहे हैं। गैस चूल्हे को चालू कर कढ़ाई रखी, ठीक। इस इनपुट का इस्तेमाल आपने किया इस एक्टिविटी को पूरा करने में, और आपको आउटपुट क्या मिला? गर्म कढ़ाई, आपकी कढ़ाई गर्म हो गई, ठीक। पहला पॉइंट ऐसा क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। अब आप अगली प्रोसेस को देखिए, अगली स्टेप में क्या आ रहा है। यहाँ जो आपको गर्म कढ़ाई आउटपुट मिला, वो यहाँ पर आपके लिए इनपुट का काम कर रहा है। गर्म कढ़ाई, आपने एक्टिविटी क्या करी? तेल डालकर गर्म किया, तेल को गर्म किया, आउटपुट क्या मिला? गर्म तेल। अब आप इस लाइन को पढ़िए, सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। ये सीक्वेंस एक बन रही है और इनके बीच में एक इंटरेक्शन भी हो रहा है। ये कहीं से भी एक दूसरे से ऐसा नहीं हो रहा कि इनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा हो। जो ये तीसरा पॉइंट है, डिटरमाइंड एंड अप्लाई द क्राइटेरिया, इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि इस प्रोसेस के इफेक्टिव ऑपरेशन और कंट्रोल के लिए जरूरी क्राइटेरिया और मेथड को पता करें और लागू करें, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ वर्ड निकल के जो आ रहे हैं उनका मतलब अगर आप समझें तो काफ़ी आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे इफेक्टिव ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन की बात हो रही है। इसके बाद एक और चीज जो आपसे कही जा रही है, वो कही जा रही है कंट्रोल। एक और वर्ड यूज हो रहा है क्राइटेरिया, और एक और वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है मेथड। देखिए, ऑपरेशन का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं, यानी डू। आप क्या कर रहे हैं? आप आलू की सब्जी पका रहे हैं। कंट्रोल करने से मतलब होता है चेक करना,
किसी भी स्टैंडर्ड में, चाहे QMS हो, EMS हो, IATF हो, FSMS हो, जहां भी वर्ड कंट्रोल यूज होता हो वहां आप सीधे समझ जाइए कि आपको चेक करना है, आपको मेजरमेंट करना है, आपको मॉनिटरिंग करना है। क्राइटेरिया का जो मतलब होता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, वो मेथड से यहां पे मतलब है वो सिस्टम, वो तरीका। यानी आपको पहले तो रिक्वायरमेंट पता करनी है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है। हो सकता है आपके पास कोई किताब हो उसमें रिक्वायरमेंट लिखे हो कि आलू की सब्जी पकाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले तो उस रिक्वायरमेंट को पता करिए और उसे अप्लाई करिए और फिर आप वो ऑपरेशन करिए। ठीक है, इसका इफेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको करने के लिए आपको उसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपके पास एक मेथड होना चाहिए। सपोज आप आलू की सब्जी अगर पक रही है या नहीं पक रही है उसको चेक करना, तो आप क्या करेंगे, उस आलू को सब्जी में से एक आलू का पीस निकालिए और आप उसे चेक करिए अपनी उंगलियों से। तो मेथड क्या हो गई, उंगलियों से चेक, उंगलियों से दबाकर, ये मेथड हो गई और आप चेक कर रहे हैं। अगर वो आलू पक गया है, अगर फूट गया, आपने दबाया और फूट गया, इसका मतलब है वो पक गया है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा आपको कड़कपन लगेगा, तो आप समझ गए आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपने कहा अभी ये नहीं पका, इसे वापस से चलने दो। कहने का मतलब ये है कि आप रिक्वायरमेंट पता करिए और वो मेथड पता करिए जिसके जरिए आप इफेक्टिव ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगली जो जो पॉइंट है वो ये है, डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द प्रोसेस एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। अब आप सब्जी जब पका रहे हैं तो आपके पास कुछ रिसोर्सेस होना चाहिए, जैसे गैस चूल्हा। अब ऐसा ना हो जाए कि आपके पास जो रिसोर्स है गैस सिलेंडर खत्म होने वाला, आपने चालू कर दिया, थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर खत्म हो गया। तो रिसोर्सेस के अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेस का पता आपको होना चाहिए, यह यहाँ पर यह कहना चाहता है। इसके बाद ये कहता है असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए जो आप ये आलू पकाने की जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको रखना पड़ेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ ही साथ आपको उसको कुछ अथॉरिटी भी देना होगी, उसके पास कुछ अधिकार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, कुछ बुरा हो गया तो उसको सिर्फ कोसने के लिए वो एक परनामे मिल गया कि हाँ ये बस रिस्पॉन्सिबल था तो इसे कोसा जाए, नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस ठीक से हो, अच्छे से हो, इसके लिए उसके कुछ अधिकार भी आपको देना होंगे, उसे कुछ अथॉरिटीज भी देना होंगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अथॉरिटी दोनों की बात यहाँ कही गई है। इसके बाद जो अगली आती है वो कहता है एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा जरूरी है। देखिए हमने पिछले जो वीडियोस बनाए उसमें हमने रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की बात करी। यहां पे रिस्क क्या हो सकती है, कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे अपॉर्चुनिटीज का हम पता लगाएंगे, ये देखिए। यहां हम कह रहे हैं कि कढ़ाई गर्म हो गई, तेल डाला हमने, उसको गर्म किया और उसके बाद हो रहा है कि तेल में मसाले डालकर हमने करछी चलाई। अब ये हो सकता है चूल्हे की जो आंच है वो तेज हो गई, तो अगर चूल्हे की आंच तेज हो जाएगी तो ये हो सकता है कि जो हमारी जो ग्रेवी है, जो हम जो मसाला तैयार कर रहे हैं वो जल जाए। तो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ रिस्क, या अनसर्टेनिटी क्या है कि आंच तेज हो गई, अगर चूल्हे की आंच तेज हो गई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ग्रेवी जल जाएगी, है ना। और हमने ये बात कही थी कि इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ रिस्क। ठीक है, तो इस रिस्क को हमें अब कम करना है, इस रिस्क को मिटिगेट करना है। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइकलीहुड पर एक्शन ले। लाइकलीहुड क्या है, जो गैस चूल्हे की जो आंच बढ़ गई थी, जो आंच ज्यादा हो गई थी, उसको कंट्रोल किया जाए। तो हम आंच को मध्यम रखें, आंच को कम रखें, ये एक्शन लेने पे हम कहीं ना कहीं उस लाइकलीहुड, उस पे एक्शन जब हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट करेंगे, इस रिस्क को कम करेंगे। तो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई भी किया, उस रिस्क को एनालाइज भी किया और उस रिस्क का मिटिगेशन भी किया। अगली बात में वो कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज को भी आप एड्रेस करिए। अब इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि अगर आपकी अच्छी सब्जी बनती है, अगर अच्छी सब्जी पकती है तो आप जिसे आपको देना है, आप सपोज आप अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आपके कस्टमर को आप देंगे, वो खाएगा, वो खुश होगा, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है उसके जरिए आपको और बिजनेस मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रोसेस के जरिए आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को अपने ढूंढना है। अगली लाइन जो ये कह रहा है वो कह रहा है इवेल्युएट दिस प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट एनी चेंजेस नीडेड टू इंश्योर दिस प्रोसेस अचीव देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स। कहने का मतलब यह है कि आपने जब पूरा काम हो गया, आपकी सब्जी पक गई, आपकी प्रोसीजर पूरी कंप्लीट, आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप इसका इवेल्यूशन कीजिए कि कहीं कोई कमी रह गई। आपने उसको चेक किया, आपने खाया, आपने देखा और फिर आप ये इवेल्यूशन करिए कि क्या उसमें कोई कमी रह गई। अगर कोई कमी रह गई तो उस प्रोसेस में चेंजेस करिए, उस प्रोसेस को रिवाइज करिए, इस प्रोसेस को रिवाइज करिए। ठीक है, और क्यों करना है आपको, ताकि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल सके। इसके बाद वो अगली लाइन जो कहता है वो इम्प्रूव द प्रोसेस। वही बात है, आखिरी में आपको इस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है।
मेंटेन प्रोसीजर है ना, जिसे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन वर्ड दिया गया है, जो नया क्लॉज आया वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज़ किया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रोसीजर बनाना है, तो आप एक प्रोसीजर बनाए, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद वो कहता है रिटन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको रिकॉर्ड भी बनाना है। आपने प्रोसीजर बनाई और उस प्रोसीजर में आपको ये बताना है कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे और उन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये था हमारा नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल, और अब हम बात करेंगे टेक्निकल एग्जाम्पल की। अब इस पूरे क्लॉज को हम विद इन टेक्निकल एग्जाम्पल हम समझेंगे, और IATF का भी जो इसमें पॉइंट है, जो सब क्लॉज इन्वॉल्व है, उसको भी अब हम समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक टेक्निकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए जो उसको 4.41 को ही अगर हम अभी देखें, उसमें पहली जो चीज़ हमसे कही गई थी कि आपको जो भी प्रोसेस करना है उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो आप पता करिए, और जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, उसकी बेसिस पर आप एक्टिविटी करते हैं। तो वही बात है, हम आज बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस की, हम इस एग्जाम्पल को देखते हुए इस चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे करते हैं। तो देखिए यहाँ इनपुट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक्टिविटी हमने करी कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक जॉब आप तैयार करें। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, उसमें आपने अपने डिजिग्नेशन दिए हुए हैं, आपके यहाँ पर क्या क्या डिजिग्नेशन है, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो जो डिजिग्नेशन दिए हुए हैं उन लोगों के लिए क्या क्या जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या उनके काम होंगे, इस चीज़ को आपको इस प्रोसेस में बताना है। और इसके थ्रू जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो निकल रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही जो इनपुट है यहाँ पर अगली जो स्टेप है उसमें हमारे लिए इनपुट का काम करेगा JDGR, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एज पर JDGR ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सिलेक्ट कंपिटेंट पर्सन। आपके पास अब JDGR है, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके पास पूरा बाकायदा लिखा हुआ है, उसकी बेसिस पर अब आपको कंपिटेंट लोगों की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको कंपिटेंट लोग चाहिए। अब वो कंपिटेंट लोग क्या होंगे, उनकी क्या कंपिटेंसी होगी, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, इस कंपिटेंसी मैट्रिक्स से। तो यहाँ से आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो कंपिटेंसी मैट्रिक्स मिल रहा है। अब आप वहीं आ जाइए जो सेकंड पॉइंट था क्लॉज नंबर 4.4 में, जो ISO वाला है 4.4.1 9001 2015 का, उसमें वो यही कह रहा है सिक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। तो देखिए सिक्वेंस भी बन रही है और बाकायदा इंटरेक्शन भी हो रहा है। अगली जो लाइन कही गई थी, जो तीसरा वाला था, जिसमें हमने कहा था कि जो भी आप प्रोसेस करते हैं उस ऑपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसको कैसे आप कंट्रोल करें ना, आप उसको कैसे चेक करें, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके कंपिटेंट पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप इंटरव्यू लेंगे, है ना, इंटरव्यू के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कंपिटेंट पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका कंट्रोल करने का एक मेथड हो गया, चेक करने का एक मेथड हो गया। अगली चीज हम देखें, डिटरमाइन रिसोर्सेज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। इस चीज़ के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है आपकी रिक्रूटमेंट की, इस प्रोसेस के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए उनकी अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ का भी आपको पता करना है। अगला जो पॉइंट है, असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर दिस प्रोसेस। अब जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है, इस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कौन करेगा, कौन इसको ऑपरेट करेगा, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसे कुछ अथॉरिटीज़ भी देना होंगी। ये चीज़ यहाँ कही गई है, कौन आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने वाला है, उसके साथ ही साथ उसके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सभी को रिक्रूट कर ले, जो इस कंपिटेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठ रहे हैं उन्हें वो हटाए, ऐसे कुछ अथॉरिटीज़ भी उसके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, आपको यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल कर आया है कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी बतानी है। थोड़ा सा हम इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ देख रहे हैं स्किल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ये जो स्किल मैट्रिक्स है ये डेजिग्नेशन वाइज बनता है, जिस डेजिग्नेशन के लिए कितना मिनिमम स्किल चाहिए उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो उस डिपार्टमेंट में लोग हैं उन सभी का स्किल मैट्रिक्स बनता है। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, देखिए यहाँ से अगर मैं रिस्क को समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ रिस्क ये है कि अगर मेरी कोई मेरा ऑपरेशन है उसको करने के लिए मुझे जो बंदा चाहिए वो कम से कम उसे CNC मशीन ठीक से चलाना आती हो, CNC मशीन उसे ऑपरेट करना आती हो, है ना, उसे CNC की कोडिंग वगैरह के बारे में जानकारी हो। अब मैंने स्किल मैट्रिक्स बनाया, वहाँ पर वो बंदा फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, वो उस स्किल में फिट नहीं बैठ रहा है,
तो यहां से एक रिस्क ये हो गई कि अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाया उस स्किल का, क्योंकि वो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो वैसा काम नहीं कर पाएगा जैसा मुझे चाहिए, तो एक रिस्क हो गई मेरे लिए, है ना। अब इस रिस्क को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे पता चल गया कि इस बंदे को अगर मैं ट्रेनिंग दे दूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेनिंग दे दूंगा तो सेवेरिटी को मैं कम कर दूंगा, जो कि हमने पहले बात करी थी, है ना। हमारे जो पिछले वीडियोस है रिस्क वाले वीडियो और हमारा जो पिछला इसका एग्जांपल नॉन टेक्निकल वाला एग्जांपल है उसमें भी हमने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करी है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं इसको ट्रेनिंग देता हूं तो सिवियरिटी को मैं कम करने की कोशिश कर सकता हूं और हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। तो यहां से मुझे रिस्क पता चल गई, इस बेस पे मुझे रिस्क पता चली। अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर कोई बंदा अच्छा काम करने वाला है तो मुझे बहुत अच्छा आउटपुट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट वो मुझे देगा। तो इस तरह से आप इन प्रोसेस के जरिए भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को पता करते हैं। अगली जो यहाँ पे बात हो रही है, इवेल्युएट द प्रोसेस एंड इंप्लीमेंट एनी चेंज नीडेड टू इंश्योर दिस प्रोसेस अचीव देयर इंटेंडेड रिजल्ट्स। इसको इवेल्यूशन करना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, सपोज मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कस्टमर ने कोई नई चीज बना दी कोई नई चीज वो लॉन्च कर दी उसने, अब यहां पर जो आपको बंदा चाहिए वो उसकी कॉम्पिटेंसी चेंज हो गई, ठीक है। पहले वो सिर्फ सीएनसी मशीन तक कंपिटेंट रहता तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब हमारे लिए ये चीज हो गई कि उसे वीएमसी मशीन भी आना चाहिए। कहने का मतलब ये कंपिटेंसी चेंज हो गई, तो हो सकता है कि मुझे इस पूरी जो प्रोसेस है इसको चेंज करना पड़े, है ना। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और अगली चीज जो कह रहे हैं इंप्रूव द प्रोसेस, और इसके बाद जो बात कही जा रही है कि प्रोसेस को आपको इंप्रूव करना है। यहां तक ये बात हुई। अगला जो पॉइंट आता है वो IETF का आता है, जो क्लॉज है 4.4.1.1। हम अब इसकी बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस IETF को लेकर, क्लॉज नंबर 4.4.1.1 जो कहता है कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। हमने अभी जो पिछला क्लॉज देखा 4.4.1 उसमें ये बात कही गई कि आपकी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्रोसेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये वाला जो क्लॉज है ये IETF की रिक्वायरमेंट है। IETF कह रहा है कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट या प्रोसेस आउटसोर्स करवाते हैं उनका भी कन्फर्मिटी आपको लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए आपने पाउडर कोटिंग एक प्रोसेस है जो आउटसोर्स करवाई, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पाउडर कोटिंग नहीं करवाना चाहते, आपने अपना जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट कोटिंग के लिए बाहर भेज दिया किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दूसरी कंपनी के पास। जो आपने आउटसोर्स करने के लिए, आपने आउटसोर्सिंग करने के लिए दिया था, वो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, स्पेशली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो थी उसको लेकर वो प्रोडक्ट सही बनाए या नहीं बनाए, वो प्रोसेस वैसी फॉलो की गई है या नहीं की गई है। साथ ही साथ आपको अगर उससे जुड़ी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो भी फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को भी देखना है। जैसे पाउडर कोटिंग के केसेस में हो सकता है कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, है ना, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लीगल प्लस कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये पूरी हो रही है नहीं, आउटसोर्सिंग कर दी जिन चीजों की आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उनको आपको चेक करना है। इसके लिए आप जब वो प्रोडक्ट आपके यहाँ आ रहा है तैयार होकर तो आप उसका इनकमिंग इंस्पेक्शन करिए, आप उसके लिए इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप उसकी बनाइए, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप उसकी तैयार करिए और डिसाइड करिए कि वो जो प्रोडक्ट जो दिया गया था या जो प्रोसेस हुई है जो आउटसोर्स कराई गई है वो कन्फर्म हो रही है या नहीं हो रही, यही एक क्लॉज कहता है। अगला जो क्लॉज है वो है प्रोडक्ट सेफ्टी को लेकर IETF का, वो थोड़ा सा बड़ा है, वास्ट है, इसलिए उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।